नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सभी CGSI मेंस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। क्या कंफ्यूजन है आपको सामने दिखाई दे रहा है। हम लोगों का CGSI मेंस का जब से डेट अनाउंस हुआ है, हम लोगों की जो बेसब्री है, जो बेचैनी है, वो बढ़ गई है, विशेष रूप से इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स को लेकर के। तो इसी सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज का ये वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। जैसे सामने आप देख पा रहे हैं कंफ्यूजन क्या है भाई, तो कई प्रकार के कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? एसे को लेकर के कंफ्यूजन है। एसे में क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, इसके लिए क्या करें। फिर आपको एक और कंफ्यूजन है, एसे जो आएगा वो कैसा आएगा, वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का आएगा या सब्जेक्टिव पैटर्न का आएगा। सबसे पहले अभी तक बचपन से हम लोगों ने जो ऐसे पढ़ा है उसमें सभी जगहों पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राइटिंग का वर्क किया है, तो आपका जो माइंड है उसमें एक अवधारणा पहले से बनी हुई है, ऐसे कभी ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आ ही नहीं सकता, जबकि ऐसा नहीं है। कई एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एग्जाम होगा CGSI मेंस का जो एग्जाम होगा, इसमें हमारा जो ऐसे का पेपर होगा वो कैसा होगा सर? भाई आप सबसे पहले समझो, आपके क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन है, आपके एग्जामिनेशन बोर्ड का जो इंस्ट्रक्शन है, वो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि ये जो मेंस का आपका पेपर होना है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होना है। तो जो भी चीजें पूछी जाएंगी वो सब MCQ पैटर्न में ही पूछी जाएगी, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही पूछी जाएगी। अब आप में से कई बच्चों के मन में ये डाउट होगा, तो ऐसे तो सर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में लिखना संभव ही नहीं है, ट्रांसलेशन तो संभव ही नहीं है। सब कुछ संभव है। अब देखिएगा कैसे, आपके CGSI मेंस के एग्जाम को छोड़ दें, भारत में होने वाले कई ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे ऑब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चन होता है, जहां पे पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है, लेकिन वहां पे ऐसे लेटर या प्रेस पूछे जाते हैं, तो वहां पे अलग से इंस्ट्रक्शन गिवन होता है कि ये पेन पेपर मोड में होगा या ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, इसके लिए अलग से आपको टाइम दिया जाएगा, वो डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा। बात समझ में आई? तो वहां पे आपको अलग से इंस्ट्रक्शन गिवन होता है। यहाँ पे हम लोगों को ऐसा कोई भी अलग से इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है, तो क्लियर है कि हमारा जो भी पेपर होगा सब का सब ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होगा। तो अब आपको आश्वस्त हो जाना है, कंफर्म हो जाना है कि जो भी आपका पेपर होना है वो कंप्लीट और कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट, एकदम क्लियर कट, आप इस बात को समझिए, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही होगा। अब आप में से कई बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आएगा, अच्छा ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा तो ऐसे को ऑब्जेक्टिव में कैसे लिखा जा सकता है? इसी के लिए ऐसे से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसीलिए हम ये वीडियो सेशन लेकर आए हैं। पहला उद्देश्य था कि आप में से बहुत सारे बच्चों को इनसे संबंधित इस प्रकार का जो भी कन्फ्यूजन था, इंग्लिश में ऐसे को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन था, ये आपका दूर होना चाहिए। अब दूसरा कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है कि ठीक है सर, मान लिया आपने कह दिया कि ऑब्जेक्टिव में होगा, तो ऑब्जेक्टिव में इसके क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, यही दिखाना चाहते हैं हम आपको। यहाँ पे देखिए आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। कैसे? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। ऑल ऑफ दीज आर टाइप्स ऑफ एसेज एक्सेप्ट, यहाँ पे जितने भी टाइप आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब एसे के अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, तो आपका आंसर होता है पर्सनल एसे। क्या होता है? आपका आंसर होगा पर्सनल एसे, क्योंकि पर्सनल एसे होता नहीं है। एसे को यदि हम लोग बात करें कि एसे कितने टाइप के होते हैं, एसे मुख्य रूप से कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे। देखिए मुख्य रूप से एसे जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आर्गुमेंटेटिव होते हैं, एक्सपोजिटरी होते हैं, नैरेटिव होते हैं और डिस्क्रिप्टिव होते हैं। इसी में से कुछ लोग आपको देते हैं एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल ऐसे क्या होता है भाई? कुछ लोग आपको देते हैं रिफ्लेक्टिव ऐसे क्या होता है, ठीक है, कुछ लोग देते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है। इस प्रकार से अलग अलग आपसे वर्ड पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कभी परसुएसिव आ गया, कभी रिफ्लेक्टिव आ गया, इस प्रकार के और भी कई शब्द हैं। एक ही टाइप को और भी कई अन्य नामों से जाना जाता है। बात समझ में आ गई? जैसे आप नदी के बारे में पढ़ते हैं तो गंगा नदी है। अब गंगा नदी को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और ये बात सिर्फ गंगा नदी पे ही अप्लाई नहीं होती बल्कि कई नदियों पे अप्लाई होती है। इस बात को आप भलीभांति जानते हैं। ठीक है, इन द सेम वे एक ही वर्ड को, एक ही टाइप के ऐसे को अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन होना है। ठीक है, और हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में आपको नहीं पढ़ाने जा रहे हैं।
हम आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहे हैं, किस प्रकार के ऐसे के ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन्हीं चीजों पे हम आपके साथ यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब ये जो चार टाइप्स होते हैं इनको और किन किन नामों से जाना जाता है इसकी चर्चा हम लोग अलग से अपने क्लास में करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोगों को समझना था कि ऐसे कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से ऐसे चार प्रकार के होते हैं। उसमें से नैरेटिव होता है, आर्गुमेंटेटिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। ये पर्सनल ऐसे नहीं होता, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ एन एसे रिक्वायर्स द टॉपिक। किसी भी एसे का, किसी भी टॉपिक पे हम लोग जब एसे लिख रहे होते हैं तो उसका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है, थीसिस एंड, और किन किन बातों का ध्यान रखते हैं हम लोग, तो मेन आइडिया का ध्यान रखते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स का उसमें ध्यान नहीं रखते हैं, बोथ ए एंड बी होगा नहीं क्योंकि बी यूजफुल नहीं है इस रेफरेंस में, क्वेश्चन के रेफरेंस में, इसलिए ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए इसके आगे और क्या कुछ गिवन है। अगला क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके सामने, एन एसे इज अ, एसे होता क्या है। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, सॉन्ग विद अ नोबल और अ स्टोरी, तो ये सॉन्ग होता नहीं है। अगला पोयम दैट हैज मल्टीपल स्टैंजास, एक ऐसा पोयम होता है जिसमें कई स्टैंजा होते हैं। अगला है सम काइंड ऑफ राइटिंग दैट हैज ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ, हाँ ये होता है, जो ऐसे होता है उसको हम लोग कई पैराग्राफ में ऑर्गेनाइज्ड वे में उस पैराग्राफ को अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, सम काइंड ऑफ राइटिंग दैट रिक्वायर्स रिसर्च, एक ऐसा प्रकार का, एक ऐसे विशेष प्रकार का राइटिंग होता है जिसमें हम लोग किसी चीज पर रिसर्च कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता, तो इस कारण से अब हमारा आंसर क्या बनेगा, अब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसे डिस्क्राइब्स अ सब्जेक्ट, वो कौन सा एसे है जिसमें किसी सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, पहला है नैरेटिव, नैरेटिव में क्या करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं। रिफ्लेक्टिव में क्या करते हैं, ऑथर जो होता है अपने ओन थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, विथ एविडेंसेस, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, कुछ साक्ष्य सबूत प्रमाण के माध्यम से, यहाँ पे ऐसा हुआ, वहां पे ऐसा हुआ। आर्गुमेंटेटिव क्या होता है भाई, इसी को परसुएसिव भी कहते हैं। अब ये आर्गुमेंटेटिव होता क्या है, जिसमें तथ्यों पे चर्चा की जाती है, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, वैसा होता तो वैसा हो सकता था, ठीक है, एक प्रकार का सजेस्टिव। अब ये एक्सपोजिटरी क्या होता है, एक्सपोजिटरी में क्या कहता है, किसी भी चीज को एक्सपोज किया जाता है, ठीक है, किसी भी चीज को एक्सपोज किया जाता है, इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग एनालिटिकल भी कहते हैं। एनालिटिकल और इसमें काफी समानता होती है, ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग एनालिटिकल भी कह सकते हैं। तो इसमें जिसमें सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ रहस्य बतलाएंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा एक्सपोजिट्री एसे, क्या कहते हैं इसको, एक्सपोजिट्री एसे कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अ गुड एसे हैज द कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट, गुड एसे में, एक अच्छे एसे में सभी चीजें शामिल होती है इनको छोड़कर, वो कौन सा चीज है जिसको छोड़ के, फेकनेस यानी गलत जो चीजें होती है, जो फेक चीजें होती है उसको छोड़ के, डिग्निफाइड स्टाइल, हाँ ये सम्मानजनक उसका एक स्टाइल होता है, उसका एक अपना रेस्पेक्टिव वे होता है एक्सप्रेस करने का, तो ये होता है। ब्रेविटी होती है, संक्षिप्तता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-4 हजार शब्दों में आप किसी ऐसे को लिखे जा रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। अगला है पर्सनल टच, पर्सनल टच को वो टच करता है, ठीक है, तो ऐसा भी होता है क्योंकि आप जब ऐसे को पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है हाँ ये मेरे मन की बातें लिखी गई है, आपको उस कैरेक्टर में शामिल कर दिया जाता है, ऐसा आपसे पढ़ते समय फील करवाया जाता है, ठीक है, तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, कौन सा नहीं होता है, ये वाला नहीं होता, तो इस कारण से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसे टेल्स अ स्टोरी, इनमें से वो कौन सा ऐसे है जो स्टोरी टेल करता है, तो हमने आपको क्या बताया, नैरेटिव जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी टेलिंग ही करते हैं, तो आज ये नैरेटिव देख लीजिए है क्या, ये रहा नैरेटिव, तो सीधी बात हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एसे आर अ सेट ऑफ वन्स थॉट, किसी एक ही व्यक्ति के थॉट को एक्सप्रेस करने वाला जो ऐसे है उस ऐसे को क्या कहते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे, ऐसे ऐसे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिव, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव ऐसे कहते हैं, क्यों,
क्योंकि उसमें ऑथर जो होता है अपने खुद के थॉट को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। आ जाइए देख ले, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लिखा हुआ, एक्सपोजिटरी होगा नहीं, कोई एक्सपोज नहीं हो रहा है, आर्गुमेंटेटिव है नहीं, नैरेटिव है नहीं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। अब आप में से कई बच्चों के मन में डाउट होगा, सर इसको थोड़ा डिटेल में हम लोगों को एक्सप्लेन कर लेना चाहिए था भाई। डिटेल में इन पे हम एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो हम लोग का ये वीडियो बन ही नहीं पाएगा, और फिर आप इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे दोस्तों कि ये जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन है ये किस प्रकार से फ्रेम हो सकते हैं, किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अलर्ट हो जाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अ गुड राइटर मस्ट अवॉइड अ गुड एसे, इसे एक अच्छे एसे को लिखते समय एक अच्छे राइटर को किन बातों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए ब्रेविटी, ब्रेविटी तो होनी चाहिए भाई, डिग्निफाइड स्टाइल उसका होना चाहिए, डिग्निफाइड वर्ड्स होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि एक रूपता उसमें होनी चाहिए, एक लाइन के बाद दूसरा लाइन, दूसरे के बाद तीसरा लाइन, सारे रिलेटेड लाइन्स होने चाहिए। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, स्लैंग का यूज उसमें नहीं करना चाहिए। ऐसे भी पढ़े लिखे लोगों को स्लैंग का या ऐसे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से आप देखेंगे राइटिंग स्किल में अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। द राइटर कंक्लूड्स बाय लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा किसी चीज को कंक्लूड करता इन डैश एसे, किस प्रकार के एसे में। देखिए नैरेटिव एसे, इसमें तो एसे सुनाएगा भाई, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एसे, इसमें डिस्क्राइब करेगा किसी चीज को। आर्गुमेंटेटिव एसे, इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम तथ्यों को रखते हैं, इविडेंस के आधार पे तथ्यों को रखते हैं, ठीक है। और आपको मनाने का प्रयास किया जाता है, देखिए ऐसा ऐसा हो सकता था, ऐसा होता तो वैसा होता, लेकिन मेरे ओपिनियन में ऐसा बेहतर होगा, इस प्रकार का इसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। रिफ्लेक्टिव ऐसे नहीं होगा क्योंकि इसमें राइटर के ओन थॉट्स नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10। शॉर्ट फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग डीलिंग विथ अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल, देखिए सिंगल सब्जेक्ट पे जो राइटिंग लिखी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऐसे, क्या कहते हैं ऐसे कहते हैं। और फिर बाकी जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं वो टाइप्स ऑफ ऐसे हैं, न कि उसको इस प्रकार का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे होगा, ऐसे के बाद उसको अलग अलग टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऐसे आर देयर। यहाँ पे ऐसे का टाइप आपसे पूछ लिया गया कि ऐसे कितने टाइप्स के होते हैं, तो मुख्य रूप से ऐसे जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू राइट अबाउट समथिंग हाउ मेनी स्टेप्स यू फॉलो, जब आप किसी चीज पे लिख रहे होते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हाउ मेनी स्टेप्स, आपको कितने कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए इसको समझने के लिए हम आपको यहाँ पर लेके चलते हैं। आपको इसके लिए डिस्कवरी या इन्वेस्टिगेशन का ध्यान रखना चाहिए, फिर प्री राइटिंग का ध्यान रखना चाहिए, ड्राफ्टिंग का ध्यान रखना चाहिए, रिवाइजिंग का ध्यान रखना चाहिए, एडिटिंग का ध्यान रखना चाहिए। अब भाई जो वीडियो एडिट होता है वो अलग चीज है, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, हम लोग सारी की सारी बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ऐसे से संबंधित, तो ऐसे में इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब ये प्री राइटिंग क्या होता है, ड्राफ्टिंग क्या होता है, रिवाइजिंग क्या होता है, एडिटिंग क्या होता है, ये सब अलग अलग चीजें हैं जिनको हम लोगों को क्लासरूम में समझने की जरूरत है, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एक बार इसको ठीक से समझने की जरूरत है, उसके बाद आपके सारे के सारे डिटेल क्लियर हो जाते हैं या सारे के सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पे हम लोग इसको काउंट करने चले थे, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, तो टोटल 5 ऐसी चीजें हैं जिनका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 5, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 5 बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग कुछ और नए क्वेश्चन को देखते हैं। अ वे ऑफ गैदरिंग आइडिया अबाउट अ टॉपिक, किसी टॉपिक के बारे में आइडिया इकट्ठा करने का जो प्रोसेस है इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग ये होता नहीं, आउटलाइनिंग में क्या करते हैं, अलग अलग जो पैराग्राफ्स होते हैं उसको किसके बाद किसको रखना है, दिस इज कॉल्ड आउटलाइनिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग इसको कहा जाता है, किसी पे किसी मुद्दे पे आप सोचिए, ठीक है, जानकारी इकट्ठा कीजिए या लोगों से विचार विमर्श कीजिए, दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। एडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कितने टाइप का होता है? सिर्फ दो प्रकार का, सिंगल या ग्रुप में। तो इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट डाउन एनी वर्ड्स और आइडियाज दैट यू कैन थिंक ऑफ इज द स्टेप ऑफ। ये किस प्रकार का स्टेप होता है भाई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिर से ध्यान से देखिए। राइट डाउन एनी वर्ड्स और आइडिया, किसी भी वर्ड या आइडिया को लिखने का जो नाम है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कहते हैं। जैसे अब ड्राफ्टिंग क्या होता है कि आपके मन में कोई ख्याल आया, ठीक है, किसी टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे थे, यदि मैं प्रधानमंत्री होता या मेरे फेवरेट प्रधानमंत्री, मेरे फेवरेट टीचर, लीडर वगैरह वगैरह, इस टाइप के चीजों पे जब आप लिख रहे होते हैं तो आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रफ स्केच में उसको लिख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग, ठीक है। अब ये मैपिंग अलग चीज है, आउटलाइनिंग अलग चीज है, ब्रेन स्टॉर्मिंग अलग चीज है, ये सभी चीजें अलग अलग हैं, जिनको यहाँ पे या सिर्फ यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, इनके लिए आपको सीरीज की जरूरत होती है, ठीक है। या फिर हम लोगों को सिंपली कहें तो द बेस्ट वे है कि आप क्लासरूम में इसको सीखें, ज्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, राइट वन पैराग्राफ फॉर ईच आउटलाइन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं भाई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट वन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को लिखना, फॉर ईच आउटलाइन कॉल्ड, हर एक आउटलाइन के लिए जो आप एक पैराग्राफ लिखते हैं इसको आखिर हम लोग कहते क्या, दिस इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग, अगेन दिस इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेसेसरी थिंग इन ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग में किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, कह नहीं सकते, आगे बढ़ते हैं, मार्जिन एंड स्पेसिंग, ड्राफ्टिंग में मार्जिन और स्पेसिंग का भी ध्यान रखा जाता है, इंपॉर्टेंट थिंग्स और आइडेंटिंग, ठीक है, इंडेंटिंग। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, जो मुख्य चीजें हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। अब ये इंडेंटिंग क्या होता है भाई, इंडेंटिंग भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट थिंग्स ही है, जिसको आप लीक से हटके, माने कि ट्रेंड से हटके, अलग वे में लिखने का, समझाने का, एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडेंटिंग, ठीक है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है ड्राफ्टिंग में, कि कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर यदि वो इम्पोर्टेंट है तो फिर उसके बाद उसका सिक्वेंस हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें इसमें शामिल है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, टेक आउट अननेसेसरी डिटेल्स, जो अवांछित चीजें हैं, अनावश्यक चीजें हैं, उनको बाहर निकाल देना, टेक आउट का मतलब होता है बाहर करना। और सेंटेंस, यदि कोई सेंटेंस या डिटेल, कोई भी जानकारी यदि अननेसेसरी है तो उसको बाहर करना, हटाना या जोड़ना, ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम लोग, इनको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा एडिटिंग, तो एडिटिंग हम आपको समझा चुके, ड्राफ्टिंग भी हम लोग समझ चुके, इनको कहते हैं हम लोग रिवाइजिंग। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं रिवाइजिंग। जब रिवाइज करते हैं तो उसमें देखते हैं कि चीजें, कौन सी चीजें अननेसेसरी है, कौन सी चीजें या कौन सा लाइन या ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो दोबारा रिपीट कर गया, इन चीजों को यहाँ से रिमूव किया जाए, ठीक है, या चीजें सिक्वेंस में नहीं है तो उनको सिक्वेंस में अरेंज किया जाए, सिक्वेंस में लाने का उनको प्रयास किया जाए, इन सभी चीजों को हम लोग रिवाइजिंग में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, चेक योर ग्रामर, ग्रामर को चेक करना, कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग एरर आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं एडिटिंग। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं एडिटिंग। नेक्स्ट, द सेंटेंस दैट फॉलो फर्दर एक्सप्लेन एंड सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस कॉल्ड, मतलब एक लाइन कहीं भी कुछ भी आप लिखे हो उसके सपोर्ट में जो अगली लाइन लिखते हैं, अगले सेंटेंस को लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंस। क्या कहते हैं? सपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर, एक्सप्लेन व्हाट द राइटर विल टॉक अबाउट, एक्सप्लेन कीजिए राइटर किस बारे में बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बताना चाहते हैं, दिस एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड, इस प्रकार का जो एक्सप्लेनेशन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस, कंट्रोलिंग आइडिया, सपोर्टिंग सेंटेंस, ये तो होगा नहीं, नॉन ऑफ द अबव है नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कंट्रोलिंग आइडिया, यानी कि चीजों को समावेशित करके नियंत्रित वे में, लिमिटेड वर्ड में ब्रीफिंग करके, क्लियर एवं स्पष्ट विथ एविडेंस के साथ लिखना, अरेंज करके प्रॉपर स्टाइल में, इसी को कहते हैं हम लोग कंट्रोलिंग आइडिया, ना कि टॉपिक सेंटेंस। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बनेगा कंट्रोलिंग आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, ऐसे राइटिंग इज नॉट विदाउट, ऐसे जो राइटिंग है ये किसी चीज के बिना अधूरा है, किसके बिना, आ जाइए पढ़े जरा हम लोग, रिवाइज किए बिना,
ठीक है, ड्राफ्टिंग के बिना एनी स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट देखिए, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, एनी स्ट्रक्चर मतलब उसका अपना एक फिक्स क्राइटेरिया है कि इस आधार पर लिखा जाएगा, और उसका अरेंजमेंट होता है उसको उसी सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। जैसे हम लोग जब ऐसे लिखते हैं तो हमारा जो पहला पार्ट होता है वो किससे बिलोंग करता है, फर्स्ट पैराग्राफ किससे बिलोंग करता है, इंट्रोडक्शन से। फिर उसके बाद उसका मेन बॉडी आता है जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं, और लास्ट वाला जो पैराग्राफ होता है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, तो उसमें हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करते हैं किसके, कंक्लूजन की, या फिर वहां पे सजेशन भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिवाइजिंग इज अ स्टेप ऑफ, रिवाइज करना किस चीज का स्टेप है, पहला पढ़िए, राइटिंग प्रोसेस का, टॉपिक का, नैरेटिव का, नन का। तो इसका आंसर क्या बनेगा, राइटिंग प्रोसेस का स्टेप है। नेक्स्ट पाकिस्तान एंड टेररिज्म इज अ, अब देखिए ऐसे लिखते समय यदि आपको पाकिस्तान और टेररिज्म इन दोनों पे चर्चा करना हो तो ये दोनों अलग अलग चीजें, इनको अलग अलग इंपॉर्टेंस के आधार पे या जिस प्रकार का ऐसे आप लिख पा रहे हैं लिख रहे हैं उसमें इन दोनों का जो सिक्वेंस है वो कहाँ पे रहेगा, दोनों को कैसे बाइफर्केट करके लिखेंगे। ठीक है, इमोशन के आधार पे इसका आंसर नहीं करना है कि सर पाकिस्तान का मतलब ही टेररिज्म और टेररिज्म का मतलब ही पाकिस्तान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिक्योरेंस, सिक्योर करना, ये होता नहीं, आइडिया कहेंगे नहीं, और क्या कहते हैं इसको, इसी को कहते हैं आउटलाइन करना। क्या कहते हैं, आउटलाइन करना, यानी कि उसको सिक्वेंस में अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला देखिए, राइटिंग एसे इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स, ये जो एसे राइटिंग है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो भाई इसका कितना पार्ट होता है, तो मुख्य रूप से इसके तीन पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्टरी बॉडी या इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ। ठीक है, तीन पार्ट होता है उसका, फिर उसका मेन पार्ट होता है जिसमें हम लोग बॉडी को लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं, और थर्ड होता है कंक्लूजन। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, अ सेंटेंस गिव रीडर अ फीलिंग ऑफ बींग अ पार्ट ऑफ, जो सेंटेंस उसमें लिखा गया होता है किसी भी एसे में वो रीडर को फील करवाता है, क्या फील करवाता है, कि आप भी इसी स्टोरी के पार्ट हैं। इसी की चर्चा भी थोड़ी देर पहले हम आपके साथ कर रहे थे, तो किसका पार्ट फील करवाता है, स्टोरी का पार्ट फील करवाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एन इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग, एक इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग जो होता है दैट प्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड एनालिसिस ऑफ अ टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे बैलेंस्ड एनालिसिस को जो प्रेजेंट करता है, बताता है, दिखाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नैरेटिव कहते हैं। क्या इसमें तो सिर्फ स्टोरी टेलिंग होती है, वन साइडेड वे में ये चलता है, एक्सपोजिटरी जिसमें चीजों को एक्सपोज किया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव, क्या कहते हैं, परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी थिंग्स आर नेसेसरी इन ड्राफ्टिंग, अभी देखिए जो ड्राफ्टिंग होता है इनमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है, इसके लिए फिर से हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे। देखिए अब इन चीजों को बहुत डिटेल में समझने की जरूरत होती है हम लोगों को, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोगों के पास समय का अभाव है और बहुत सारी चीजें आपको एक घंटे के वीडियो में, आधे घंटे के वीडियो में दे पाना संभव नहीं है, इसलिए इस तरीके की चीजों का हम आपके साथ यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिए पहला क्या होता है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, थ्री बॉडी होना चाहिए, ये थ्री बॉडी होना चाहिए, ये पैराग्राफ होना चाहिए, ये कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बना 1, 2, 3 एंड 4, ऐसे चार चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना होता है। कितने चीजों का, चार चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फोर, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर फोर बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर, देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने, अ राइटर टेल्स द स्टोरी अबाउट अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, राइटर जो है अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में आपको बता रहा हो, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात बता रहा है, कहानी आपको सुना रहा है। दिस इज, इस प्रकार का जो हमारा ऐसे होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं नैरेटिव, क्या कहते हैं, नैरेटिव कहते हैं। तो ये हो गया हमारा नैरेटिव। ठीक है, अब ये कैंसल, ये कैंसल। ठीक है, पाकिस्तान टू हैज सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ इट्स, पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा सफर किया है किस कारण से, तो ये हम लोगों के ऐसे से बिलोंग करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी यदि आंसर करना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा हॉरर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से ध्यान से देखिए इसको, इन एनी टॉपिक वी फर्स्ट राइट अबाउट इट्स,
किसी भी टॉपिक को जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन को लिखते हैं कि ये है क्या। इंट्रोडक्शन देख लीजिए ऑप्शन में है, ये रहा इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद आगे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टाइप बताएंगे, एडवांटेज बताएंगे, तो ये चला जाएगा लास्ट लाइन में, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ईच आइडिया ऑफ द एसे शुड बी कनेक्टेड टू द, ईच आइडिया ऑफ द एसे, एसे का जो प्रत्येक आइडिया है वो कनेक्टेड है किससे, किस चीज से कनेक्टेड होता है भाई। यहाँ देखिए ध्यान से, टाइप से कनेक्टेड होगा, नेक्स्ट आइडिया से कनेक्टेड होगा, लाइन से होगा, नन से होगा, तो प्रत्येक लाइन अगले लाइन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है अ पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स द ऑथर्स ओन आर्गुमेंट, एक ऐसा राइटिंग जिसमें ऑथर अपनी बात को बता रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पैराग्राफ कहते हैं क्या, नहीं कहते, तो नन होगा नहीं। अब आंसर क्या बनेगा आपका, ऐसे ऑथर यदि किसी एक ही टॉपिक पे चर्चा कर रहा हो तो, या अपने ओन आर्गुमेंट को एक्सप्रेस कर रहा हो, तो इस प्रकार के ऐसे को हम लोग क्या कहते थे, इसी प्रकार के ऐसे को हम लोग कहते हैं नैरेटिव ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता क्या, ये होता है ऐसे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द राइटर शुड प्रेजेंट ऑल साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट, राइटर को सभी पक्षों को सामने रखना चाहिए, उसके फेवर वाले को भी, उसके अगेंस्ट वाले को भी, ठीक है, ताकि न्यूट्रल होके हम लोग उसको समझ सके किसी भी चीज के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, बट मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली इज द टाइप ऑफ एसे, तो दोनों पक्षों को आप रखिए, उसके पॉजिटिव साइड को भी रखिए, नेगेटिव साइड को भी रखिए, लेकिन आपको इस चीज को समझाने में सफल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए स्पष्ट रूप से कि आपको क्या करना चाहिए। इस प्रकार के ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रकार के ऐसे को हम लोग कहते हैं परसुएसिव, क्या कहते हैं, इसी प्रकार के ऐसे को हम लोग कहते हैं परसुएसिव ऐसे। तो अब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, विराम देते हैं। इसके आगे की चीजों के लिए आप हमारे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, कंपटीशन कमेटी के बिलासपुर ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्लासरूम क्लास में चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।